गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिनका टारगेट सलमान खान है, लॉरेंस बिश्नोई जो काला हिरण मामले में सलमान खान से आज से 26 साल पहले से ही नाराज चल रहे हैं। आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई के इतने धमकियों के बाद जब सलीम ने सलमान के पक्ष में उन्हें माफ़ी नहीं मांगने को कहा कि उनके बेटे माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जवाब में जो कहा आपको बता दें, उन्होंने कहा ना तो हमारे समाज को उसका पैसा चाहिए और ना ही लॉरेंस को उसके हराम के पैसे चाहिए। लेकिन सलीम खान के बयान ने समाज को आहत किया है। ये इसलिए कहा बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्योंकि सलीम खान का कहना है लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सलमान को जो धमकियां मिली है वो एक फिरौती का मामला है, पैसे के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है। तो आखिरकार बिश्नोई समाज ने जवाब दिया। बिश्नोई समाज के प्रति सलमान के परिवार का ये दूसरा अपराध है। बिश्नोई समाज के लोग मेहनत करके अपना जीवन बसर करते हैं। बिश्नोई समाज में 550 साल पहले पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों को जागरूक किया गया। हमने कितने जानवरों को बचाया है, हमने सभी ज़िलों में वन्य जीव जंतुओं के लिए रेस्क्यू सेंटर बनवाए हैं। सलीम ने जो कहा वो सरासर गलत है, किसी को पैसे नहीं चाहिए। बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने ये भी कहा भगवान से माफ़ी मांगे, बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगे, सलीम खान झूठ बोलकर सलमान को बचाना चाहते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति।